दलितों के आवाज की लड़ाई आप लड़ते हैं,
अगर इस देश के मुसलमानों ने मुसलमान को अपना नेता नहीं माना, हिंदुओं को नेता माना, अगर संभल में कुछ हो रहा है, पैदाइश में कुछ हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी इन नेताओं हिंदू नेताओं की जिम्मेदारी है कि जाए सड़क टूटे, उत्तर प्रदेश बंद करे, आह्वान करे। अरे सोशल मीडिया पर टूटे टूटे क्षेत्र हो जाएगा। मुसलमान से कोई पूछ रहे थे यूट्यूबर कि मुसलमान क्या कर रहे हैं, मुसलमान को कुछ नहीं कर रहे हैं, सोचता हिंदुओं को वोट देता हिंदू नेता तो उसको प्रोटेक्शन कौन करे, उसके राइट की बात कौन करे, क्यों सेकुलर बोलने में डर लगता है, वोट चाहिए लेकिन हम बोलेंगे नहीं, क्या वैसे साहब इतना हाथ पाँव मारते रहते लेकिन उनके नेता नहीं माना दिया उत्तर प्रदेश। पिछड़े घर को खरीदने की जरूरत है, क्या दलित को नेता मानेंगे? ये सवाल मैं पूछता हूँ। अगर वैचारिक रूप से आपकी लड़ाई लड़ रहा है तो आप दलित को भी अपना नेता नहीं मानेंगे, मुसलमान को भी नेता नहीं मानेंगे, आपको छाप जाप को देखना है। लेकिन बढ़िया फोन कर रहा हूँ, बोला पटेल साहब खा गए तो यादव साहब खा गए, और उसमें कौन कितना खा गया कोई नहीं पूछता। डीडब्ल्यूएस का पूरा सर्वे करा दीजिए, कौन समुदाय खा गया सर, इस पर चर्चा नहीं, क्यों कॉन्स्टेबल हो रहा है, अरे इतनी संख्या है, ओबीसी का एजुकेटिव मिनिस्टर है, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, तो आपको तो पता चला कि आपको थोड़ी मिलना, आपको तो पटेल साहब खा जाएंगे, यादव साहब खा जाएंगे। अरे आरक्षण एक अवसर है, इसमें एक संभावना है, एक मजदूर का बेटा भी जज प्रोफेसर अध्यक्ष बन सकता है, एक अवसर है, अवसर खत्म कर कुछ सकता है, ये संभावना थी कि आपके बच्चे चाहे आप मजदूर हो किसान हो आपके बच्चे प्रोफेसर बन सकते हो, जब संभावना ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, वो खत्म हो रहा है। मैंने अभी कहा हुआ आज तक के प्रोग्राम में कल परसों संविधान में खतरा किससे, अमेरिका से है, पाकिस्तान से किससे खतरा, संविधान को खतरा भारत से, और तबियत से संविधान के प्रावधान जो है वो खत्म करेंगे, तबियत से करेंगे। हमारे दलित पिछड़े नेता भी एक बड़े लीडर है, मैं मिला था उनका सूरज मेरे साथ थे, और मैंने कहा कि आपको ये लोग वोट नहीं देंगे, अपना वोट कंसोलिडेट कीजिए, वो नहीं रकम भी हमारे बिहार वाली बात हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो 40% लोग हमें देते हैं, चलो इतिहास पढ़ाता हूँ मैं, 28 साल पढ़ा दिया, 6-7 साल इसमें 35 साल हो गया, कहाँ पे है नर्क वो मैं जानता हूँ, जब सपा बसपा को लड़ाना होगा तो किसी एक दिन में चला जाता, जब उनका अपना ही घर मजबूत हो गया है तो आपको नेता मानूंगा, कहीं के लिए कंफ्यूजन का, और वही देखिए अभी 24 के चुनाव में जो हम लोग 19 में कह रहे थे, 24 में आपने शुरू किया, आप जीत गए। इन नेता को हमारे अपने नेताओं का मैनिफेस्टो देखिए क्या है, मैनिफेस्टो देखिए ना, शिक्षा रोजगार के सवाल प्राइवेटाइजेशन, भाई पिछड़ा वर्ग का तो आप जाने में दलितों के बारे में जानता है कि जो भी दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ वो अफर्मेटिव एक्शन थ्रू थे, सरकार के द्वारा जो रिजर्वेशन की पॉलिसी आई उसकी वजह से मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ। दलितों के अगर इंदिरा गांधी जमींदारी उन्मूलन कर रही थी तो दलितों की कोई जमींदारी नहीं थी, बैंक का नेशनलाइजेशन कर रही थी तो दलित कोई बैंकर था, टीवी पर खत्म कर रही थी तो दलित कोई राजा महाराज था, इसका लाभ समुदाय को मिला, और वही समुदाय उसमें जो कुछ लोग हमारे जैसे लोग ने दलित कॉलेज टूटी आगे सब तरीके से दलित राजनीति, मैं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म का पार्टी हो रहा है, चाहे काबले हो चिराग पासवान हो चाहे माझी हो,
अच्छा डायरेक्ट मैनेजमेंट हो रहा है, वायर मीडिया मैनेजर वाला है, काफी खराब है वो, वोट काटो 10-20 हजार। इस खेल से उस मिडिल क्लास से कुछ लोग जो सवाल उठाना शुरू किए, आर एस एस बीजेपी को वहां समस्या तो बोला आया कहाँ से मिडिल क्लास, बोला सरकारी स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, नौकरी में। एक काम करो पहले स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खत्म। राजेंद्र प्रसाद जी बोले ना जी गरीब लोग को फ्री में शिक्षा, फ्री से स्कॉलरशिप। अब दलित लोग को जब से नशा कहा है राजनीति का, तब से जो स्कॉलरशिप फ्री से खत्म हो गया। मेरे पास रोज फोन आते हैं कि मेरे लिए क्राउड फंडिंग कर दीजिए, ये संभव है मेरे लिए, लेकिन नहीं होगी, नहीं है आपको फ्री सीट नहीं, स्कॉलरशिप पार्लियामेंट में आवाज उठ गई, जहां हो रहा है उसमें शिक्षा खत्म, एजुकेशन खत्म, सब कुछ खत्म। क्यों एजेंडा पे नहीं है? मैं आपको बजट बताता हूँ साल का, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, और रेपुटेशन बट नेसेसरी रेपुटेशन। इंदिरा गांधी ने 1975 में शुरू किया है कॉन्फिडेंट प्लान, और इंदासी ने शेड्यूल कास्ट स्पेशल कॉन्फिडेंट प्लान लाइट, और परसोसा की बजट ने आबादी के हिसाब से अलग की। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी 2002 में 10th five year को केंद्रीय खाते में था 10.63% और स्टेट 11.80%। मोदी सरकार के बजट आइए कोई दलित नेता बोलता है, कोई पिछड़ा नेता बोला कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा कहाँ गया, कोई नहीं बोलता है। सारी जाति को मुझे दे दो, मुझे दे दो, ये सबसे जो कमजोर है उसकी लड़ाई पहले आप सब मिल कर लड़िए, बिना लड़े हुए फ्री का मिल गया है, इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता लगता है, बिना लड़े हुए कौन लड़ाई गया है। अभी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कंपनी प्लान का जो पैसा है मैं बजट बता देता हूँ, संसद में पीएम के लेवल मत आओ, बंगला में रहिए, बोलो बोलो वहां पे धरना लगाओ। टोटल बस बजट है 48,20,518 रुपए, और शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान में मिला 1,65,493 रुपए, उसका परसेंटेज बनता है 3.43%, और ट्राइब का था 1,25,214 रुपए, ये बनता है 2.74%। ये सरकारी आंकड़े कह रहे मैं थोड़ी कह, तो जब बजट की कटौती हो गई अगर सही से आवंटन होता तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ने में पिछड़ा वर्ग में कोई दिक्कत नहीं है, जानता हूँ एकदम खुल के मैं ये बात करूँ। शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ने में शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ने में पिछड़े वर्गों की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें तो हंगामा हो जाना चाहिए। अगर सही से नहीं था तो गरीबों के खाते में आके 7,95,384 करोड़ रुपए, और शेड्यूल ट्राइब को आपको 3,95,281 करोड़ रुपए। इसमें कितने नेताओं ने बोला है पार्लियामेंट के अंदर, और जो भी पैसा आवंटन होता है जाके देखिए इकट्ठे मिनिस्ट्री में आवंटन हो जाता है, कहाँ गया पैसा पता ही नहीं। आपके नाम पर बोल देते आपको अपने नेता से सवाल पूछने का बात है, सवाल पूछो तुम्हारे गांव का स्कूल क्यों बंद, सवाल पूछना पड़ेगा ना कि पैसे का कोई इसमें कोई डिबेट नहीं होता। जिम्मेदारी हम सबकी हो, ऐसे ही नेता चुनते हो, ये डिबेट नहीं करे, फर्क में जाए, संसद में नहीं आगे लेकर नहीं जाए, खाली वोट दे दो, सीएम पीएम बनो, ये बन के करोगे क्या, ये बताओ क्या करोगे तुम। जब से तुम लोग सीएम पीएम का ख्वाब देते हो तब से प्राइवेटाइजेशन आ गया, सरकारी नौकरी खत्म, शिक्षा खत्म, सब फ्री में आपको थोड़ी देगा। और मुसलमान लोग जो अपना फर्जी लड़ाई लड़ रहा है उसके फ्री में कोई ना देखे कोई समझ नहीं, किसी भी लड़ाई लड़ रहा है तो कुछ लड़ाई 692 साल इन लोगों ने लेकिन ज्ञानी खिलाई है बहुत ही, तो भाई रोजगार रिजल्ट मिल जाए
बिरयानी हम लोगों खिलाते थोड़ा बड़े आदिवासी पूरे को जिनको बिरयानी से नहीं खिलाया है तो सत्ता नहीं समझौता करके रखने के स्कूल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनवा लेते मुसलमानों के लिए बनवा दिए रहते बिना मॉडर्न एजुकेशन के बगैर इंग्लिश एजुकेशन आप कैसे कम्पीट कर रहे थे पैसों की कमी नहीं पैसा की कमी है नहीं आगे देखें कितना चंदा आता है हर वो फर्द आता है उसकी लड़ाई हृदय से तो है वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से जरूरत है आरएसएस बीजेपी का लीडर सरस्वती शिशु बिहार से बनता है हमारे नेताओं को एससी एसटी में से मांगने के लिए काम खूब ले दो अरे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं बन पाया प्राइवेट का फायदा हमारा दलित पिछड़ा नेता से मिले रहा सब अपना अपना प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी चला जा सके थे सब ब्लैक एंड व्हाइट करने का चक्कर तो सोशल इशू हमारे एजेंडा पर नहीं नेता चाहता आपसे वोट दीजिए आपने नेताओं से सवाल करना बंद कर दिया हमें तो नहीं चाहिए नेता से क्या बोलेंगे क्या करें मैं बैठा हुआ इधर अस्पताल का बोलते हैं बिरयानी खिलाओ तो मुझे नहीं खिलाता इनमें से किसी को ताकि खिलाता हो दोस्तों लड़ाई बहुत गंभीर है पॉलिटिकल ट्रेनिंग सालों भर चलते रहना चाहिए इलेक्शन के समय पता लगा कि तुलसी का बराती की तरह बहुत लगा के निकल जाते हैं दो महीना एक्टिव लगा सभी जाने सो जाएगा आर एस एस बीजेपी पांचों साल काम करते चौबीस घंटे काम करते निकलोगे अरे इलेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं बाबा साहब ने कहा था उस बड़ा कमल कहा था और किस संदर्भ में कहा था यह बताओ जिसका मिडिल क्लास नहीं होगा जिसका इंटेलिजेंसिया नहीं होगा जिसके वकील नहीं होंगे जिसके इंटेलेक्चुअल्स नहीं होंगे वो जमीन आम तो बना सकता है एक सौ इकतीस रुपये का हुआ पाने लेकिन क्लास का फॉर्मेशन को आरोप से अटैक कर रहा है बीजेपी दलित किसान ऊपर जाएगा यूनिवर्सिटी में आ जाएगा सवाल खड़े करेगा मुझे लगता है मैंने ज्यादा बोलिए इसलिए साथियों हम लोगों को जो नुकसान हो रहा है होना कई बार मैं जाता हूँ बहुत चीजें बैठे रहते हैं हमें लीडर साहब लोग को जो है सुनना चाहिए पहले लोग क्या बोल रहे हैं क्या पढ़ के हमें संसद में कम से कम जाइए तो आंकड़े रहे कि अपने प्रॉब्लम में दूर करना लेके जाए देखिए इस सरकार को तीन चार बार हम लोग खराब नहीं है चाहे उसके का हेल्थ का मसला हो चाहे रोजगार का मसला हो चाहे किसानों का मसला हो तो 500 से लाख पूरी तो माहौल बना सकता है मैं बोलूंगा तो 5 लाख लोग सुनो लीडर बोलेगा तो 5 करोड़ लोग सुनो तो पहले समाज मुंतरी तैयार हो और मैं आपसे शिकायत ही कर रहा हूँ कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को चाहिए कि पहले दलित और मुसलमानों की लड़ाई लड़े लड़े उसकी लड़ाई तब वो सामाजिक एकता का रिश्ता मिट होगी क्या छुआ छूत आपने कम कर दिया सवाल उठा रहा हूं जब सोशल डेमोक्रेसी इसकी बड़े मजबूत होती है वही पावर में रहता है मुझे इसलिए बात कह रहा हूं कभी तू देखो ना प्रोफेसर बोलिए पढ़ा लिखा आदमी का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करूंगा अरे उसकी रोटी ऐसा हो तो मलाई खा रहे थोड़ा पढ़ा लिखा तो भाई ये काम करो 52% हो ना अकेले का आदमी जाकर लड़के ले लो दलित लोग तो हर लड़ाई में आगे रहता है मोर्चा संभालता है और ये आपकी समझ है जात के बाहर नेता नहीं मानोगे फॉलो नहीं करोगे तो कहां से आप जीते रहो 85% कौन सा उत्तर ये एक सवाल है और मैं जानता हूं 10 साल बाद आप नोट करके बदल देगा ओबीसी भाई लोगों के पास जमीन में लाख रुपया है बहुत रुपया है दलितों के पास सब एक नौकरी था न बिजनेस था न इंडस्ट्री है न कुछ नहीं है 10 साल बाद जो है ना सब उसका जो है सारा नौकरी खत्म इसका तुम मजदूर बना देगा इसलिए नेताओं के दबाव बनाओ मैंने किसको भी करवाओ बोलो कि मैंने किसको लिखो इस बात को
राजस्थान का कोई बात नहीं हुआ। क्यों? अदानी जब पैसा ना थे वो पैसा तुम्हारे घर में भी आता, क्यों सवाल नहीं उठेगा अदानी? हमारे नेता क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।